बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस शहजाद अल्टीमेट टेस्टी किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे अरवी गोश्त। तो मैं आपको पहले चीज़ें बता देती हूँ। ये मैंने मटन लिया है हाफ के जी, और ये अरवी लिए है हाफ के जी। अरवी को मैंने धो के अच्छे से ऊपर से इसका छिलका पील करके और नमक वाले पानी में मैंने इसे भिगो के रख दिया। और ये दो दरमियानी प्याज लेके इसे मैंने ब्लेंड कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्रेवी वाला होता है उसमें ब्लेंडेड प्याज ज़रा बड़ा फिर मुलायम सी ग्रेवी बनती है। और ये एक टेबलस्पून अदरक, एक टेबलस्पून लहसुन, एक कप टोमेटो प्यूरी, डेढ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, डेढ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, एक टेबलस्पून नमक, डेढ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून हल्दी। ये मैंने हाफ कप ऑयल डाल के, और मैं पहले जो है ना गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें मिलाती जाऊँगी। ये मैंने गोश्त को फ्राई किया है थोड़ी देर, अब मैंने इसमें ब्लेंडेड प्याज डाल दूँगी। अब मैं इन्हें अच्छी तरह भूनूँगी। अब ये मैं अदरक और लहसुन मिला के ये मैंने लहसुन अदरक डाल के गोश्त को भून लिया। अब इसमें मैं सारे मसाले मिक्स कर दूँगी। और साथ ही मैं दो ड्रॉप्स पानी डाल दूँगी ताकि हमारे मसाले जले ना। थोड़ी देर ये मैं मसालों को भून के फिर मैं इसमें टमाटर पेस्ट मिला दूँगी। इसमें मैंने टमाटर पेस्ट मिला दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी। अब ये मैंने इसमें अरवी मिला दी। अब मैं अरवी को गोश्त मैंने अच्छे से भून लिया था। अब मैं इसमें 5 मिनट तक अरवी को भून के फिर मैं पानी मिलाऊंगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त और अरवी बहुत अच्छे से भून गई। ये देखिए ऑयल अलग होने लग गया। अब इस स्टेज पे इसमें मैं तकरीबन 6 कप के करीब गर्म पानी डालूंगी, ठंडा नहीं डालूंगी, गर्म पानी डालूंगी। इसमें अरवी में ये मैंने गर्म पानी करके रख दिया था, और इसमें 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाऊंगी, और फिर मैं इसका फ्लेम हल्का कर दूंगी। और जब ये गोश्त तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, गोश्त भी और अरवी भी गल जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स ये देखिए हमारा अरवी गोश्त बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे मैं इसमें ये पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल करूंगी और हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें में मिला के ये देखिए हमारा बहुत मज़े का ये अरवी गोश्त रेडी है। हमारी अरवी भी बिल्कुल गल गई है और गोश्त भी गल गया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये व्यूअर्स देखिए हमारे अरवी गोश्त बिल्कुल रेडी है। गरम गरम आप नान के साथ इसे इंजॉय कीजिए। और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको टाइम पर मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।